और ट्रिप का जो बैलेंस है 356 रुपये समझ लो कंपनी ने अपनी तरफ से हमको दिए। अब इस समय क्या है, कमीशन तो ले नहीं रही है, एक्स्ट्रा हमने उस कमीशन नहीं लिया, कस्टमर को जो है ऑफर भी दे रही है। हेलो, राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो, आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई दोपहर के बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं 1:30। ट्रिप ए को हमने जीरो किया था घर से, 87 किलोमीटर चल चुकी है, 1:30 बज चुके हैं। ईंधन कुछ इतना रिजर्व में भाई दोनों लगने वाले हैं, हालांकि अभी मेन में है लेकिन अभी रिजर्व में जल्दी ही लग जाएंगे। तो भाई आपको बता दें कि हमारे प्राइवेट बुकिंग लगी हुई थी, ईश्वरीगंज बैकुंठपुर से पिकअप था और ला के त्रिवेणी नगर इनको छोड़ना था। त्रिवेणी नगर छोड़ने के बाद 1-2 किलोमीटर खाली आए, बाहर की तरफ निकले क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है वो, तो बाहर निकल ही रहे थे तभी इधर जो है एक हमारे पास बुकिंग आ गई है रैपिडो की। और ये भाई साहब आ रहे हैं इनको ले जाके, यहाँ से फटाक से निकलना है। गाड़ी नंबर चेंज है, ये गाड़ी यही है। अच्छा, जी हाँ जी, जी हाँ जी, 5899 भैया। ठीक है ठीक है, आइए। तो भैया हम आ गए लखनऊ, लखनऊ में अभी ड्रॉप किया कस्टमर को, यहीं पास हॉस्पिटल पड़ता है, पास वाला हॉस्पिटल कौन सा, ये लोक बंधु। भाई कस्टमर को ड्रॉप किया, भाई बाइक से जा रहा था, भाई ने पहचान लिया, हम समझ गए हमारे सब्सक्राइबर। भाई नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ भाई का नाम है, घर यहीं पास में ही है। भाई भाई के पास भी गाड़ी है, ओला उबर में चलाते हैं लेकिन इस समय गर्मी कुछ नहीं चला रहा, गर्मी बहुत है ना इस बार। हाँ गर्मी बहुत है इसलिए नहीं चला रहे। हमारे पास भी अगर आउट का काम ना है भाई तो हम भी लोकल में ना चला पाए, और इनके पास आउट थोड़ा कम आता है, लखनऊ में कम आता है ये, क्योंकि हम लोग कांट वाले इतने लोग आ जाते हैं कि हम ही लोग लेके चले जाते हैं, है ना ये सब। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। तो अभी मौसम सही होगा तो भाई गाड़ी निकालेंगे। हमारे विनय भाई जा रहे थे, हमने दूर से पहचान लिया कि हमारे विनय भाई जा रहे हैं, हमने रोक के हमने कहा पहले मुलाकात करेंगे तब कहीं जाएंगे। ये होता है भाई प्यार सब्सक्राइबर भाई का, तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के पास में, वहीं कोई बुकिंग आएगी तो लेके निकलेंगे, क्योंकि अभी एक यहाँ फर्जी बुकिंग आई थी कन्नौज की, और मतलब है नहीं खड़े होने से। हाँ सही बात है। तो भैया आप बता दें, सब्सक्राइबर भाई से मिल के आ गए, मिलने के बाद क्या भाई बोला कि भाई कुछ खाते पीते चल के, तो हमने कहा भाई गर्मी चल रहा है इसमें क्या ही खाएंगे यार, रहने दो। बोले नहीं भैया आप आए तो कुछ तो खाइए। तो भाई गन्ने का रस दोनों भाई पिए आराम से, पीने के बाद वहाँ से हम निकल आए ये ट्रांसपोर्ट नगर में, CNG पंप पड़ता है, हमारी गाड़ी में CNG था नहीं भाई, आके ट्रांसपोर्ट नगर में CNG फुल कराई, पेमेंट कर ही रहे थे तब तक हमारे पास फिर एक बुकिंग बच गई, पहले कन्नौज की बजी थी और उसके पहले जब कल आए थे तो कल 3 बार बजी थी, आज एक बार बजी है कन्नौज की, फिर दोबारा बजी है जो है अपने यहाँ छपेड़ा पुलिया की कानपुर की, जो कि प्राइम सेडान की बुकिंग है। ये देखिए कुछ बुकिंग है भाई, ये कल की पेंडिंग पड़ी हुई है, ये देखो पिकअप है भाई, ठीक है स्वरूप नगर यहाँ भी पड़ता है तेलीबाग में, और इनको ड्रॉप करना शारदा नगर, ठीक है 89 किलोमीटर दिखा रहा है, प्राइम सेडान की बुकिंग है भाई तो 1840 रुपये दिखा रहा है, अब देखेंगे फेयर कितना आता है। तो ओला में ये तो खैर फ़ायदा है भाई, अगर किसी कारणवश आप बुकिंग छोड़ के जाते हो, दूसरे तीसरे दिन आते हो तो आपको बुकिंग तैयार मिलेगी भाई, तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। और खड़े हम देखो, ये शहीद पथ अपना है, ठीक है ये सर्विस रोड है, और एक रोड सर्विस रोड उधर भी बना रखी है भाई, तो कुछ ये है हिसाब किताब। ये देखो शहीद पथ हमारे राइट हैंड पे है, यहाँ पे भाई इस वजह से खड़े हो गए हैं क्योंकि यहाँ छाया थी, अभी 1.5 घंटे पहले बुकिंग आई थी 3:30 बजे ये, और अभी बज रहा है 4, अभी भी 1 घंटे हैं, 4 बजे का पिकअप है, 2:30 बजे बुकिंग आई थी तो अभी 3 बज रहे हैं, आपको समय दिखा दें। ये देखो 3 बज रहा है, गाड़ी कुछ इतना चली, ईंधन देखो फुल करा लिया है, और ये पिकअप देखो है 4 बजे का, ठीक है पिकअप टाइम ये देखो दिख रहा है, पिकअप समय 4 PM, अभी 3 बजा, 1 घंटा है। तो भाई कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो पहले सब बात की, हमने कहा मैडम जल्दी आए जल्दी निकलो, बोले नहीं भैया आप टाइम से ही आइएगा, हम 4 बजे ही निकलेंगे शाम को आराम से, तो हमने चलो ठीक है। अब हमने सोचा यार वहाँ जाने से अच्छा यहीं पर वेट कर लेते हैं, छाया है समय कट जाएगा, वहाँ पे पता नहीं गली में पेड़ हो ना हो, छाया हो ना हो, तो वहाँ खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं तो खैर सुविधा हो जाती है हम ड्राइवर भाइयों को, जहाँ पे पेड़ नहीं होते भाई वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं, AC कब तक चलाते रहेंगे, वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, गाड़ी को भी कुछ राहत देना है आराम देना है, हमेशा AC ही चलाते रहेंगे तो गाड़ी गड़बड़ होने का ज़्यादा चांस रहेगा,
इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और इंजन स्टार्ट रहेगा, तो हमने कहा चलो राहत देते हैं, एक घंटे खड़े होकर यहीं वेट करेंगे कस्टमर के समय हो जाने का। जैसे ही समय हो जाएगा यहाँ से जाके कस्टमर सीधा पिक करके सीधा कानपुर के लिए, जो भी फेयर वगैरह बनेगा सारी डिटेल आप लोगों को मिलेगी, अब वीडियो अपनी प्रॉपर आती रहेगी। तो ठीक है भैया, जो भी भाई अपना चैनल पर नया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन करा उस तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे, कमेंट वगैरह भी किया करें। तो ठीक है, पढ़ते हैं वेट, और जैसे ही वहाँ यहाँ से कानपुर पहुँचेंगे फेयर वगैरह क्या होता है सारा कुछ बताएंगे। और कानपुर से आज हम प्राइवेट आए थे, जो कि हमारे यहाँ बैकुंठपुर ऋषिगंज के पास में इनका घर पड़ता है मैडम का, वहाँ से पिकअप किए थे और लखनऊ में ला के ड्रॉप किए थे, 1600 रुपये लिया था। उधर से टोल पड़ता नहीं क्योंकि पिठूर परियल होके हम आए थे, तो उस साइड में भैया आज अपना टारगेट पूरा हुआ, कस्टमर को ड्रॉप कर दिए शारदा नगर में। इस समय हम गुरुदेव पैलेस पे, ये देखो कुछ बोर्ड लगा हुआ है गंगावराज चिड़ियाघर कंपनी बाग उन्नाव लखनऊ का, भाई जा रहा है सीधा घर की तरफ, घर की तरफ इसलिए जा रहा है देखो बजने वाला है साथ। और ये देखो कुछ टाइम, ये रहा कुछ ईंधन, फोन में भाई बात करते समय ही आता, चलो इनसे बाद में बात करूंगा। तो भाई बताते चले कि ओला की प्राइम सेडान की बुकिंग थी भाई, कस्टमर के तरफ से तो 1500 रुपये नकद मिले थे, कंपनी भाई मेहरबान है, कंपनी जो है हमको दे रही अपने पास से, तो कस्टमर को ऐसा ऑफर दे रही है कि कमीशन तो ले नहीं रही है, ऊपर से कंपनी अपने पास से पे कर रही है। आपको हम दिखाते हैं बुकिंग भाई, चलो पहले बात कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भाई बाद में करेंगे, बहुत जरूरी कॉल है। तो भाई वीडियो शूट करते समय जब फोन आ जाता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अंधेरा हो गया अब वीडियो शूट करने का टाइम मिला है। आपको गाड़ी दिखा दें भाई, 213 किलोमीटर चली, ईंधन कुछ इतना है, मकड़ी खेड़ा में खड़े, अभी सीएनजी पे जाके सीएनजी डलवाएंगे इसमें। और मुद्दे की बात में आते हैं, जो हम बता रहे थे कि भाई ओला इस समय कस्टमर से कम फेयर ले रहा है, लेकिन हम लोगों को अपना फेयर पूरा दे रहा है। देखो एक राइड में 1767 रुपये, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि कमीशन तो यार लेता नहीं है, कमीशन के बदले उल्टा हमको दे रहा है, ये समझ लो कमाई के ब्यौरा पे गए भाई। अब आज की राइड ये रही 1767 रुपये, देखो ये पूरी डिटेल है आपको दिखाते हैं। 90 रुपये तो टोल के हो गए, 97 किलोमीटर गाड़ी चली है, ऊपर देख सकते हो 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा है। ये कुछ फेयर दैनिक भत्ता 100 रुपये दिया है, 90 रुपये टोल का दिया है, ठीक है। और ट्रिप का जो बैलेंस है 356 रुपये, समझ लो कंपनी ने अपनी तरफ से हमको दिए, कैश एकत्र किया 1500 और 356, ये मतलब 1856, इसमें टोल का उसमें ऊपर हम नहीं जुड़ा है, तो कुल मिला के 1756 रुपये ये ऑपरेटर हुआ है, 90 रुपये टोल के तो पूरा हो जाएगा। तो भाई 356 रुपये कंपनी ने हमको दिए हैं, नहीं तो क्या था कि कंपनी हम लोगों से कमीशन लेती थी, अब इस समय क्या है कमीशन तो ले नहीं रही है, एक्स्ट्रा हम लोग कमीशन ले रही है, कस्टमर को जो है ऑफर भी दे रही है, तो कस्टमर कंपनी क्या है डबल भाई घाटा हो रहा है कि आपको सस्ती राइड भी देनी है, ठीक है, और ड्राइवर से कमीशन भी नहीं लेना है, तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। ओला ने अगर तो ऐसा ही कर दिया महीने दो महीने भाई, तो ड्राइवर भाइयों के मजे हो जाएंगे, कस्टमर के मजे हो जाएंगे, कंपनी घाटे पे जाएगी, घाटे पे क्या ही जाएगी, इतना ज़्यादा पैसा हम लोगों ने कमवा दिया है कंपनी को, घाटे में तो नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि काफ़ी जो है मुनाफा उसका कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मतलब जो है अभी कितना, हाँ 1767 हटा देते हैं, ये 1767 हुए हैं, इसमें 1700 रुपये मान लेते हैं, और 1600 रुपये प्राइवेट गए थे, तो ये हो गए 3300 रुपये में 1300 रुपये खर्चा निकाल देते हैं, 2000 रुपये अपनी बचत, जैसे कि हम डेली का निकाल के चलते हैं, तो 2000 की आज अपनी बचत हमने निकाल ली। 1300 रुपये ईंधन भाई इस समय इसलिए ज़्यादा निकाल रहे हैं क्योंकि इस समय गाड़ी माइलेज नहीं देती है, इधर से भराए थे प्रेशर कम था तो पहुँचे लखनऊ, और लखनऊ में भराए तो भाई पहुँचाए कानपुर, प्रेशर नहीं सही था, और वैसे भी माइलेज इस समय भाई गाड़ी बहुत कम दे रही है क्योंकि कंटिन्यू एसी चालू रहता है, 2 नंबर पर, कभी कभी 3 नंबर पर भी करना पड़ता है, अब रात के समय तो 1 नंबर 2 नंबर पर ही सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना टारगेट तो आज का पूरा हो गया है, कंपनी के बारे में जो ज्ञान वाली बात वो हमने बता दी है भाई कि कंपनी की दोनों तरफ से जो है एल लगे हुए हैं, ड्राइवर की तरफ से पेमेंट पूरा मिल मतलब कमीशन नहीं मिल रहा है, और कस्टमर की तरफ से पूरा पेमेंट भी नहीं मिल रहा क्योंकि ऑफर दे रखा है, तो हम लोगों के तो इस समय बल्ले बल्ले हैं, खास करके जिनके पास बुकिंग आ रही है, लोकल तो मैं चलाता नहीं हूँ,
तो अभी मैं घर जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि कल रात में दो तीन बज गए थे भाई घर पहुँचते पहुँचते, और सुबह फिर निकलना था। तो अभी जाते हैं सीधा घर की तरफ। ये बच्चा देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाहर खड़ा होकर देख रहा है। चलो इससे अपने क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।